नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, मेरे सामने जो आप पेड़ देख पा रहे हैं, ये पेड़ 1 साल और 3 महीने के हो चुके हैं। जनवरी में 24 जनवरी को 1 साल के पेड़ हो गए थे। और अब इनमें से किसान साथियों गेहूं काट लिया है, और गेहूं काटने के बाद इसमें किसान साथियों पानी लगा दिया है खेत के अंदर। कई किसान साथी पूछते हैं कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, पत्ते आ गए हैं खेत के ऊपर, तो हमको इसके अंदर पेड़ के अंदर क्या खुराक दें भी हमारे पेड़ अच्छी ग्रोथ कर पाएँ, या 1 साल का पेड़ जो हो चुका है दूसरे साल में लग गया, उनको क्या खुराक दें। तो किसान साथियों, पहले तो आप पेड़ देखिए, इनकी हाइट चेक कीजिए, 1 साल 3 महीने के पेड़, इसके अंदर कोई झूठ फेंकने वाली बात नहीं है। ये पेड़ किसान साथियों 12-13 इंच के पेड़ हो चुके हैं। कुछ पेड़ इनमें मोटे भी हैं, कुछ पतले भी हैं, तो लगभग पेड़ किसान साथियों 11-12 इंच के पेड़ हैं। आप देख सकते हैं पूरा खेत इस समय पत्तों से हरा भरा पड़ा है, क्योंकि किसान साथियों हमने इस खेत के अंदर, ये हमारा अपना खुद का खेत है, गेहूं का लालच नहीं किया। गेहूं पकने के बाद भी हमने पानी लगाया था इसमें, क्योंकि किसान साथियों ये रेतीली ज़मीन है, और रेतीली ज़मीन के अंदर किसान साथियों हम जितना पॉपुलर के अंदर पानी देंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि किसान साथियों पॉपुलर उतनी ही ग्रोथ करेगा। आप मेरे सामने देख भी सकते हैं, इसके अंदर खेत के अंदर ये पानी अभी भी चला हुआ है, हमने इसमें 2-3 बार अब तक पानी चला दिया है किसान साथियों, और खेत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेतीला खेत है, गर्मी का मौसम है। इस समय किसान साथियों ज़मीन भी जो है प्यासी हो जाती है। जितना ज़्यादा हम इस खेत में पानी लगाएंगे किसान साथियों, सबसे बड़ी खाद तो इस समय वही है, जितना ज़्यादा आप पानी लगा सकते हैं। अगर आपके खेत रेतीले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इस समय गर्मी से बचने के लिए, गर्मी से आपके पेड़ों को यही पानी बचाएगा और यही पानी खाद का काम करेगा। किसान साथियों अप्रैल भी जा चुका है, और अब हम जो बात करते हैं खाद की, जो रासायनिक खाद होती है, तो किसान साथियों जिस किसान भाई के पास अपना जो देसी खाद होती है गोबर की खाद, आप वो इस समय इस खेत के अंदर डाल सकते हैं, डालकर इस खेत की बुआई कर सकते हैं। पॉपुलर की आप जड़ में डालना चाहें, जड़ के 2-2 फुट के दायरे में वो डालकर आप खुदाई कर सकते हैं या बुआई कर सकते हैं, वो भी आप खाद डाल सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है किसान साथियों, और देसी खाद डालने के बाद पानी लगाना ज़रूरी है, तो उसे डालकर आप लगातार 2 बार पानी भी दे सकते हैं, 3 बार भी दे सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पॉपुलर जो आपके ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाएंगे, मोटा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पत्ते किसान साथियों पूरे आ चुके हैं। जब तक आपके पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं आएंगे तो पॉपुलर इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता पॉपुलर। और इसके बाद जून के बाद जैसे ही रेनिंग सीज़न स्टार्ट होगा, बरसातों का मौसम, तो किसान साथियों वो खाद उस समय जाकर आपका काम करना स्टार्ट करेगा, जो देसी खाद आप डालेंगे, क्योंकि देसी खाद अगर आप आज डालते हैं तो कल से आपका असर दिखाना शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि उसको टाइम लगता है 1 महीना 2 महीने का, तब जाकर उसका असर देखने को मिलता है। तो इसलिए आप इस समय खेत खाली हैं, खाद डाल सकते हैं, हरे चारे की बुआई कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं करनी तो आप ऐसे ही खाद डाल सकते हैं, खेत की बुआई कर सकते हैं और पानी लगा सकते हैं। तो इसमें आप DAP डाल दें, अगर आप पेड़ की जड़ में डालना चाहेंगे तो आप 70-70, 80-80 ग्राम एक पेड़ की, जो 1 साल का पेड़ है उसकी जड़ में डोज मिलाकर खाद की डाल सकते हैं, जिसमें सुपर भी हो जाएगा आपका, DAP भी हो जाएगा, यूरिया आपकी मर्ज़ी है, डाले या ना डाले वो आपके ऊपर बात है। आप इसमें जड़ों की जो मजबूती की दवाई होती है कोई भी ले सकते हैं, पैकिंग में आजकल मार्केट में बहुत सारी जड़ों को मजबूत करने की दवाइयां हैं। और हाँ किसान साथियों, इस समय आप उसमें जो कीटनाशक दवाई होती है, किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करके आप उसकी जड़ में खाद डालें, क्योंकि अब आगे आगे पॉपुलर में कीट, जैसे वो छेद करने वाला कीड़ा होता है, बर्मा वाला कीड़ा जिसको बोलते हैं, जो बुरुदा सा निकाल देता है, वो भी लग सकता है आपके पत्तों के ऊपर, सुंडी भी आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप कीटनाशक का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, पेड़ जितना मजबूत होगा, उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपका पेड़ करेगा। तो किसान साथियों इस समय, और हाँ खेत की बुआई ज़रूर करें, क्योंकि कई महीने से जो ज़मीन जो है सख्त हो जाती है, जैसे कि नवम्बर में गेहूँ बोई गई थी, उसके बाद किसान साथी जो है पानी लगाना शुरू कर देते हैं, कई हमने देखा है, कई किसान साथियों को, सारे तो नहीं लेकिन कई किसान साथियों को देखा है। और उस समय आप बुआई ज़रूर करें, क्योंकि जो मिट्टी सख्त है वो नरम आएगी, मिट्टी को हवा लगेगी, धूप लगेगी, पानी मिलेगा अच्छा खासा खुलकर, तो आपका पेड़ भी ग्रोथ करेगा और आपके पेड़ की जड़ को फैलने की जगह भी मिलेगी, क्योंकि मिट्टी सख्त होती है, और पानी दे देकर और उसको सख्त ना बनाएं, उसकी बुआई ज़रूर करें, उसके बाद आप जितना चाहे पानी लगा सकते हैं। अगर आपके खेत की मिट्टी डाकर है, चिकनी मिट्टी है, तो उसमें कम पानी लगाएं, क्योंकि हवाएं भी चलती हैं, मौसम भी कभी कभी ख़राब हो सकता है, तो अपना खेत के हिसाब से देखकर पानी चलाएं। तो किसान साथियों आपकी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।